पानी ठंडी हवाला चल रहा है, कोई देखभाल नहीं है प्रशासन की। चल अब मैं कभी कई बार आ चुका हूँ मगर पानी वैसे ही रहता है। कौन सी जगह है ये? ये तस्वीर के सामने ही है, सीएम विंडो के सामने। सीएम विंडो के सामने तो यही हाल है सीएम विंडो के सामने, तो शहर में क्या होगा? आप तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आप शहर में क्या था। सारे अधिकारी बैठते हैं, सारे अधिकारी बैठते हैं, एकदम सीएम सिटी बोलते हैं तो। और गटर भी खुला हुआ है, सब खुला पड़ा है, देख लो आप, आपके सामने है। हादसा भी हो सकता है कोई ना कोई, वहाँ गिर भी सकता है इसमें, आदमी जान भी सकते हैं, बच्चे जैसे की कार्रवाई होनी चाहिए जरूर। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम आपका जी? मेरा नाम ओमकार है जी। ये करनाल में भैया, ये तहसील है साथ में, तहसील के साथ हो रहा है, और तो सेफ्टी भी नहीं है कोई, इसका ढक्कन वगैरह चाहिए, इसमें तो कोई भी गिर सकता है, और व्यर्थ पानी वेस्ट हो रहा है, इसका भी समाधान होना चाहिए। कोई भी हादसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सीएम सिटी के नाम से तो दूसरा कुछ, खासकर करनाल में तो होना चाहिए, जब सीएम सिटी करनाल है। सीएम विंडो के सामने ये तस्वीर है? हाँ सीएम विंडो के सामने ही है। तो काफ़ी समय से खुला हुआ है ये? तो काफ़ी समय से खुल रहा है जी, देख रहे हो आप, काई लग रही है मेरे ख्याल है, इस महीने से तो हम भी देख रहे हैं। पहले को तो करनाल अब मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और सीएम सिटी के नाम से कहलाया जाता है, लेकिन अगर बात करें यहाँ के खुद प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो स्मार्ट नहीं है, और उन्हीं के जिला सचिवालय अगर बात करें तो सीएम सिटी के जिला सचिवालय में कई जगह जो है रोजाना हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है, जिस बारे में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी बता दिया गया, लेकिन आज तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस समय हम जिला सचिवालय की ही चौथी मंजिल पर खड़े हैं, जहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि चौथी मंजिल से पानी की टैंकी से रोजाना जो है यहाँ हजारों लीटर पानी की बर्बादी होती रहती है। और थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीर दिखाई थी वो भी जिला सचिवालय की सीएम विंडो के सामने की तस्वीरें थी। लोगों को सुना आपने कि लोग किस तरह से बता रहे हैं कि कई सालों से, कई महीनों से जो है वो इस पानी की बर्बादी को देखते आ रहे हैं। और जिला सचिवालय की अगर बात करें तो यहाँ हर प्रशासनिक अधिकारी जो है रोजाना यहाँ पर आता है और सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जिला सचिवालय में इस तरह से जो है पानी की बर्बादी हो रही है बड़े स्तर पर, हजारों लीटर पानी जो है यहाँ पर रोजाना जो है बर्बाद हो रहा है, उस तरफ जो है जिला प्रशासन आज तक कभी ध्यान नहीं दे पाया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। पानी चल रहा है ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है, ये आम पब्लिक के लिए खतरनाक है। वैसे कल को पानी नहीं मिलेगा हमारे को पीने के लिए, तो मतलब ये बहुत ही स्तर का लेवल है। ये कौन सी जगह है ये जहाँ खड़े हैं हम? ये सर मिनी सेक्रेट है करनाल का, और ये वहाँ पर इसका पानी वेस्ट चल रहा है, और मैं वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से हूँ, पर ये स्कीम उड्डा के अंदर आती है, उड्डा डिपार्टमेंट के अंदर, तो उन्होंने रिपेयर करनी चाहिए क्योंकि यहाँ का प्रशासन उसको देखना चाहिए। तो काफ़ी कीमत होती है इसकी पानी की? पानी का तो बहुत ही, आने वाला कल के लिए पानी में बचत करनी चाहिए पानी के लिए, पानी हमारे सबसे मेन, अगर पानी नहीं है तो हमारा क्या भविष्य है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीजू है।